नमस्कार, मैं हूं अनुपम अनूप। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। पिछले 1.5 वर्षों से लगभग विद्यालय पूरी तरीके से बंद हैं और विद्यालयों को लेकर के जो हम विशेष सीरीज कर रहे हैं, उसी सीरीज के अंतर्गत आज हम एक प्राथमिक विद्यालय से जुड़े हुए अभिभावकों से चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ आज आशुतोष जी हैं और सलोनी जी हैं। इनकी बच्ची अनन्या हैं जो नर्सरी क्लासेस की स्टूडेंट्स हैं। आज हम जानेंगे कि पिछले 1-1.5 साल से जब विद्यालय बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में बच्चों पर क्या इसका पॉजिटिव या नेगेटिव असर पड़ रहा है, किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस प्रभावी हैं, या फिर किस तरीके से और विकल्पों की तलाश की जा सकती है। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं आप दोनों लोगों का द खबरदार न्यूज पर। स्वागत है आप दोनों का। धन्यवाद। तो आशुतोष जी, आप एक पिता हैं और आपकी छोटी सी बच्ची है, तो आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि जो 1-1.5 वर्ष का एक विद्यालय का अंतराल रहा है, जो विद्यालय बंद रहे हैं, तो इस दौरान क्या चीज़ें सामने आई बच्चे को लेकर के? स्कूल नहीं खुलने की वजह से बच्चे लोग का पढ़ाई पे बहुत बुरा असर पड़ा है जी। स्कूल रहता है तो स्कूल से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, और हम लोग ट्यूटर अभी लगाए हुए हैं, लेकिन उस रूप में जितना आउटपुट मिलता है स्कूल से, उस तरह के नहीं मिल रहे हैं। और बच्चे लोग थोड़ा सा ग्रुप में खेलना और बाहर निकलना, थोड़ा ये चीज़ें सब कमी हुई हैं, तो उन लोग पे भी उस तरह का विकास, हाँ, सर्वांगीण उस तरह का विकास अभी नहीं हो पा रहा है। और जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे जब विद्यालय खुलते थे तो स्कूलों में पढ़ाई होती थी, बच्चे स्कूल जाते थे, वर्तमान में आप बता रहे हैं या फिर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो पर्सनल ट्यूटर लगा करके काम चला रहे हैं किसी भी तरीके से, तो पर्सनल ट्यूटर और स्कूल के शिक्षण, उसमें क्या परिवर्तन, क्या अंतर देखते हैं? स्कूल की शिक्षा कैसी थी और घर में अब किस तरीके से शिक्षा होती है? स्कूल में क्या होता है कि हर तरह से विकास होता है, बौद्धिक विकास, बच्चे क्या है, पढ़ाई हर चीज़ नहीं होती है, स्कूल में खेलते हैं बच्चों के साथ, उनको कंपनी मिलती है, पढ़ाई भी होती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ता है। और घर में आप ट्यूटर रखते हैं, रूटीन लाइफ रहती है। घर में बच्चा बन जाता है हर चीज़ों से। हम लोग 2 साल में अभी देख रहे हैं कि कोरोना काल में इन लोग का बौद्धिक विकास रुक गया है, हर चीज़ में इरिटेशन हो गया, पढ़ाई भी नहीं, चिड़चिड़ापन बढ़ गया है, हर चीज़ इन लोग की लाइफ बच्चों की लिमिट होते जा रही है, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है, मानसिक रूप से विकास नहीं हो रहा है। बाहर निकलते हैं बच्चे, बच्चों के साथ खेलते हैं, एक तरह से ये ज़्यादा क्षति है जी। और कोरोना की वजह से जब विद्यालय बंद हो गए, तो बच्चे जैसे पहले स्कूल जाते थे, स्कूल से घर आते थे, तो जो उनका एक डेली रूटीन था, तो वो वर्तमान में किस हद तक कितना परिवर्तन हुआ है, कितना? रूटीन तो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, अब तो बच्चे लोग का पढ़ाई का एक जो रूटीन पहले से बना हुआ था, वो सब कोरोना की वजह से सब टूट गया है। अब वही है कि ट्यूटर एक हैं और थोड़ा सा बच्चे लोग को दबाव बना के आदमी गार्जियन थोड़ा सा वो कर रहा है, लेकिन टीवी मोबाइल पे अब ज़्यादा टाइम बच्चे देने लगे हैं, घर के अंदर बाहर निकल भी नहीं रहे, तो इस वजह से थोड़ा स्कूल से माहौल कुछ और अनुकूल रहते हैं। और स्कूल बंद होने के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस हर किसी के लिए चला पाने या बच्चों को पढ़ा पाना बहुत मुश्किल काम होता है, तो ऑनलाइन क्लासेस सफल हैं या फिर उस पर कोई संशोधन किए जाने चाहिए? देखिए, इस पर सबका अलग अलग नज़रिया है, किसी के लिए सही है, किसी के लिए नहीं। अब मेरे देखने से है कि बच्चे का उस पर कोई आउटपुट मिल नहीं रहा है, क्योंकि वो बैठते ही नहीं है, उनका ध्यान कॉन्सेंट्रेट ही नहीं होता इधर उधर, तो उसका कोई मुझे लाभ नहीं मिला। छोटे बच्चों पे वो ऑनलाइन का कोई वो असर नहीं हो रहा। बड़े बच्चों के लिए ठीक है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए उतना सक्सेस नहीं है, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं हो पाते हैं पढ़ाई को लेके, और चाहे मैम को लेके, टीचर को लेके, कि हाँ उस तरह का ही है, मैम बोल रही है क्लासेज, इधर ध्यान दिए उधर ध्यान दिए, पेरेंट्स को बैठना भी पड़ता है तो भी ध्यान नहीं देते हैं। और इसके साथ ही साथ जो मोबाइल का चलन पूरी तरीके से बढ़ रहा है, जब आप लोगों की पढ़ाई होती थी या हम लोग की पढ़ाई होती थी, तो स्कूल में मोबाइल ले जाना प्रतिबंधित होता था, और आज ऐसी समय आ चुका है, ऐसा परिवर्तन हो चुका है कि बिना मोबाइल के मतलब पढ़ाई ही पूरी तरीके से प्रभावित हो रही है, तो ये टेक्नोलॉजी के साथ जो शिक्षा शुरू हो रही है, तो ये बच्चों के भविष्य को लेकर के क्या समझते हैं कि लाभदायक होगी या फिर इसके बुरे असर देखने को पड़ेंगे? नहीं, लाभदायक है, उसको अच्छे रूप में लीजिए तो लाभदायक है। बहुत सारा मटेरियल आज के ज़माने में, कोई आपके पास ये चीज़ नहीं है कि आपको कोई चीज़ पढ़ना है या जानना है तो आपके पास
मटेरियल अवेलेबल नहीं है, बस आपको जानने पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। आजकल यूट्यूब हो गया, चाहे नेट के थ्रू आप हर तरह के मटेरियल आपको मिल जाते हैं पढ़ने लिखने के लिए, हर तरह की फैसिलिटी है। तो आप अच्छे रूप में लीजिए तो बेटर है, ऐसा कुछ नहीं है जी। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो कार्टून देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा ज़रूर मुश्किल है, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल है कि मोबाइल के द्वारा जो पढ़ाई ऑनलाइन कराई जा रही है वो उतने सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए थोड़ा सा सही नहीं है जी। स्कूल को लेकर के क्या मानते हैं, स्कूल खोले जाने चाहिए या फिर नहीं खोले जाने चाहिए? अभी कोरोना काल में तो नहीं, कोई बच्चों को लेकर रिस्क नहीं ले सकता है, तो फिर मेरे ख्याल से तो नहीं खोलना चाहिए जब तक कोरोना का पूरा वेव चला नहीं जाता है, महामारी है। लेकिन जब सिनेमा घर खोले जा रहे हैं 50% क्षमता के साथ, इसके साथ ही साथ बाज़ार पूरी तरीके से 100% क्षमता के साथ खोले जा रहे हैं, दूसरे भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर पूरी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, तो ऐसे में विद्यालयों के लिए भी तो कई विकल्प तलाश किए जा सकते हैं। नहीं, 6 क्लास से अब खोल सकते हैं, 50% स्ट्रेंथ के साथ चालू कर सकते हैं, दो टाइम कर दें, मॉर्निंग टाइम इवनिंग टाइम क्लासेस करके चालू कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए ज़रूर दिक्कत है, लेकिन 5th से अब जो है ऊपर वालों के लिए उनके लिए चालू कर सकते हैं, उसके लिए अब तो गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, वो हम लोग से बेहतर जानती है, गवर्नमेंट हम लोग से ज़्यादा सेफ्टी के ध्यान देकर काम कर रही है, तो इसके बारे में और बेटर गवर्नमेंट से बेहतर क्या कर सके, वो जो निर्णय लेगी उसके लिए बेटर। और जैसा कि हर क्षेत्र में आर्थिक तौर पर लोग कमज़ोर हुए हैं, आप सरकारी कर्मचारी हैं, सरकार के द्वारा आप अनुबंधित हैं, तो क्या आप लोगों को भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना? हम लोग को भी आर्थिक नुकसान हुआ है, 2 साल से इंक्रीमेंट बंद है, पिछले जुलाई में इंक्रीमेंट नहीं मिला है, इस जुलाई में भी अभी इंक्रीमेंट मिलना है कि नहीं मिलना है इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, 1.5-2 साल से DA नहीं मिल रहा है, तो इससे नुकसान तो हुआ है, कम से कम 4,000 मंथली नुकसान हो रहा है। कम से कम 3-4 टर्म में DA मिलता, अभी तक में 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं, तो ये सब चीज़ रुकने की वजह से आर्थिक नुकसान का तो सामना करना पड़ेगा। और जैसे जब बच्चों को मोबाइल के थ्रू एजुकेशन की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, तो बच्चे तो मोबाइल के माध्यम से सिर्फ अपने पसंद की चीज़ें देखना पसंद करते हैं, तो उनको शिक्षा से जुड़ी हुई सामग्री दिखाने में कितनी समस्या आपको सामना करना पड़ता है एक माँ के रूप में? वो तो देखना ही नहीं चाहते, मेरे पास बहुत सारे मटेरियल अवेलेबल है, स्मार्ट TV हम इसीलिए लेके बच्चे को हम उस पर टाइम देंगे, लेकिन मेरी बच्ची में उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो बस मोटू पतलू देखेगी या इसका जो मन करेगा वही देखेगी, तो ये बहुत समस्या होती है हम लोगों को, इंटरेस्ट कैसे लाया जाए ये नहीं समझ में आता। ये एक बड़ी समस्या पेरेंट्स के साथ है, विशेष तौर पर छोटे बच्चों के साथ। अनन्या, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? स्कूल जाना है? स्कूल नहीं जाना है? नहीं। क्यों नहीं जाना? क्योंकि स्कूल बंद है ना। स्कूल क्यों बंद है आपको पता है? कल देखे थे हम लोग कोविड की वजह से स्कूल बंद हुए थे। स्कूल क्यों बंद है बताओ? कोरोना के कारण, कोरोना वायरस हो गए ना इसलिए। और मान लो स्कूल खुलते हैं तो स्कूल जाओगे अब? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे? आपको खेलने को मिलेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। स्कूल क्यों नहीं जाना है? अभी तो लॉकडाउन है ना, कल आएंगे, जब लॉकडाउन बाद जाएगा ना तो आ जाएंगे हम लोग। अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से नहीं जा रहे, अभी नहीं जाओगे है ना? लॉकडाउन जब चला जाएगा तब जाना आप। लॉकडाउन चला जाएगा तो जाओगे ना स्कूल? और जो सर आपको पढ़ाने के लिए आते हैं घर में, तो कैसे पढ़ाते हैं? वो होमवर्क करा के जब मैं होमवर्क करती हूँ तो सर देते ना, तो रिजम करती हूँ ना, तो सर बोलते रिजम करो तो मैं बता देती हूँ। तो ये बच्चों के साथ ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है कि जैसे स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में उनके पास ज़्यादा टाइम रहता है, और जब कोई भी बच्चे के पास ट्यूटर आता है तो वो 1-2 घंटे ही दे सकता है, स्कूल में 4-5 घंटे तो अलग देता अलग है, सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, तो ये चीज़ जो है तो गेम है, ग्रुप में पढ़ने का जी, इतनी छोटी सी उम्र में इन लोगों को भी प्रेशर लेना हम लोग को भी नहीं अच्छा लगता, मुझे लगता है कभी कभी मैं हटा दूँ, इतनी छोटी है, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है, रूटीन नहीं रहेगा, कुछ पढ़ेगी नहीं, पेरेंट्स से तो बच्चे पढ़ते नहीं है। दूसरी चीज़ जो स्कूलों का होमवर्क होता था और जो
वर्तमान में ट्यूटर के द्वारा दिया जाने वाला होमवर्क है, तो उसको सॉल्व कराने में कितनी समस्या आती है? आप एक माँ हैं, आप घर पे रहती हैं, आप बच्चे के होमवर्क को सॉल्व कराती होंगी। स्कूल का क्या है, वहाँ बर्डन नहीं होता था, इजली बच्चे भी लाइटली लेके पढ़ लेते थे, उनका रूटीन है, आज ये करना है हर चीज़ में। ट्यूटर का क्या है, एक प्रेशर जैसा रहता है, इतना होमवर्क रहता है कि पूरा दिन ही निकल जाता है उसमें, बर्डन भी बच्चों पे भी हो जाता है, पेरेंट्स पे भी हो जाता है। इसका समस्या का क्या समाधान है? कुछ मतलब दोनों तो एक तरीके से ज़्यादा समय देना पड़ता है। और दूसरी चीज़, एक सवाल और है आप दोनों लोगों से, ये सवाल है कि जैसे विद्यालय एक डेढ़ साल से बंद है, तो घर में जब बच्चा आपका रहता है तो परेशान भी बहुत ज़्यादा करता होगा आप लोगों को, तो शैतानियाँ किस हद तक बढ़ी हैं बच्चे की? काफ़ी शैतानियाँ बढ़ गई हैं, मोबाइल टीवी ये हमेशा इन लोग को चाहिए चालू हालत में, हाँ मोटू पतलू और ये सब देखना है इनको, और पढ़ाई पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं लोग, पढ़ाई करने की इच्छा नहीं होती है। नहीं बढ़ गया समस्या, हाँ। बहुत इरिटेट कर देते हैं, चिड़चिड़ापन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, जो एक ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, इमोशनल ब्लैकमेल करने लगते हैं पेरेंट्स को, नहीं मम्मा मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे मोटू पतलू देखना है तभी मैं पढ़ूंगी, इस तरह का ब्लैकमेलिंग चलने लगा है। और इरिटेशन भी इतना इरिटेट करते हैं, रोना चिल्लाना, स्कूल में था तो ये सब चीज़ नहीं था, अपना आते थे, रूटीन थी। और घर में जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पेंटिंग है या फिर जो है तो डांसिंग है या सिंगिंग है, तो ऐसी चीज़ें घर पे रह करके बच्चा थोड़ा ज़्यादा समय दे पाता है, तो इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट बच्चों को लेकर के देखने को मिलता है क्या? इसका तो डांसिंग में इंटरेस्ट है, हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, अब नॉर्मल है, हम टीवी में लगा दिया, शाम में कहीं घूमने नहीं गई लॉकडाउन की वजह से, तो अपना ये कर लेती है, बाकी अदरवाइज हम लोग उस पर उतना नहीं करते, पढ़ाई पे ही मेन फोकस रहता है, इतना बर्डन रहता है कि लगता है ये कर ले। और इसके अलावा जैसे जब सामान्य दिनों पे बाहर भी जाने के लिए बच्चों को भी मिलता है, पेरेंट्स को भी बाहर जाने के लिए मिलता है, कोविड काल में वो कमी किस हद तक जो तो झेल रहे हैं आप लोग घर से बाहर निकलने में, या फिर ऑफिस से मार्केट का भी घूमने जाना होगा? तो थोड़ा बाहर आदमी निकलने लगा है, पहले बहुत प्रतिबंध की वजह से स्थिति बहुत वो थी, अब तो थोड़ा सा फ्रीडम है, थोड़ा बाहर लोग निकल रहे हैं, लेकिन अब है कि अलर्ट रहना पड़ेगा, अभी भी सेफ्टी के साथ बाहर निकलना है, ये है अभी पूरी तरह से कोविड गया लेकिन नहीं, फिर भी सोचना पड़ता है बाहर जाने। इसके अलावा जो हमारे अभिभावक देख रहे हैं ये कार्यक्रम, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने बच्चों को लेकर के? यही कि अभी जो बच्चे घर पे हैं थोड़ा सा उनको गाइड करें, देखें अच्छे से, एक जब तक स्कूल नहीं खुल जाते हैं तब तक पेरेंट्स को बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, और बच्चे लोग का थोड़ी सी शैतानियाँ ये हैं, थोड़ा सा उनको अच्छे से गाइड करके रखें। और क्या, तो बच्चों की शैतानियों की वजह से क्या आप लोगों में भी चिड़चिड़ापन बढ़ा है? बिल्कुल बढ़ा है, मानसिक तौर पर, मानसिक तौर पर बढ़ ही गया है बिल्कुल। लेकिन अभी कोविड की वजह से विद्यालय का कोई विकल्प सामने नज़र नहीं आ रहा है, और लगभग कब तक कोविड रह सकता है कुछ क्या लगता है? इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते कब तक कोविड रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट कदम उठा रही है, तो अभी आ रहा था कि 26 जुलाई से 9, 11वीं 12वीं और कॉलेज खुलने वाले हैं, दो टाइम में खुलने वाले हैं, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे अपर क्लास का चालू करेंगे, फिर धीरे धीरे जैसे होगा छोटे बच्चों का भी स्कूल चालू होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। अभी वैक्सीनेशन को लेकर के हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीनेशन के लेकर बहुत लोगों के मन में गलत धारणा भी हो गई, लेकिन मेरा मानना है कि करवाना चाहिए, जब गवर्नमेंट इतना एफर्ट डाल रहा है अपना, तो हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपना काम पूरा करें, उसका काम को आसान बना दे। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि वो लिए ही नहीं है, जाके लेना भी नहीं चाहते हैं, तो लेना चाहिए वैक्सीनेशन। आप लोगों ने चर्चा में हिस्सेदारी की, उसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अभिभावक सलोनी जी और आशुतोष जी, जिनकी छोटी सी बच्ची अनन्या है, अनन्या से भी हमने बातचीत की, और अनन्या ने भी लॉकडाउन को लेकर के, कोविड को लेकर के इस चर्चा में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। साथ ही साथ स्कूल न खुलने की वजह से अभिभावकों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनके लिए क्या विकल्प हो सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हमने चर्चा की। स्कूल सीरीज से जुड़े हुए कुछ और वीडियोज, कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो मूलभूत समस्या है उसके समाधान के विकल्पों की ओर ध्यान आकृष्ट कराएं सरकार का। बने रहिए द खबरदार न्यूज़ के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।